मुस्लिम वेडिंग्स में क्या होता है, ठीक है, मुस्लिम वेडिंग्स में स्टेज होता है और स्टेज के ऊपर होते हैं गद्दे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ओह गद्दे मुजरा, नहीं, नॉर्मल गद्दे, ठीक है। और मुस्लिम वेडिंग में दूल्हा जो होता है वो स्टेज पे बैठता है ये पोजीशन में। सब लोग देख रहे, दूल्हा बैठता है ये पोजीशन में, हाँ तो देख ही रहेगी। दूल्हे के बाजू में काजी साहब बैठते हैं, हाँ काजी साहब मुस्लिम पंडित, हाँ और उनके बाजू में बैठते हैं दो गवाह, एक इस तरफ ये होते हैं विटनेस कि हाँ निकाह हुआ है हमने सुना है, और बीच में एक होता है माइक जिसमें बोलते हैं कुबूले कुबूले कुबूले, ठीक है, वो माइक रहता है जिसमें सब लोग सुनते हैं कि हाँ हमने सुना है निकाह हुआ है। और मुझे पता भी नहीं था कि ये कुबूले 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 क्यों होता है ऐसा तीन बार। मैं छोटा था तो मेरे को नहीं समझ में आता था, मैंने अपने चाचा से पूछा कि चाचा ये तीन बार क्यों होता है, तो मेरा चाचा बोलता है औरतों को एक बार में समझ में कहाँ आता है। Women don't like this joke. You didn't like, ma'am? You didn't like it? चाचा बोला, मैं नहीं। मेरा चाचा सेक्सिस्ट है, मैं तो फेमिनिस्ट हूं। मैं तो चाची को गया और बताया कि चाचा देखो ये सब बोल रहा है। मेरी चाची बोलती है बेटा कुछ समझा नहीं, इधर आ चाची और दो बार बता दो। I didn't like it. I can understand you didn't like this joke, right? I totally understand with you. But मेरी चाची को ये जोक मैंने सुनाया एंड शी अप्रूव्ड, के लाइक सेक्सिस्ट थोड़ा ऑफेंसिव है बट फनी है, एंड शी इज वेरी स्पोर्टी, शी कैन टेक जोक एंड शी इज इन द हाउस, गिव इट अप फॉर हर। She is in the house. सर चाचा अलाउ नहीं करता बाहर जाने। ये जोक पे एक मुस्लिम अंकल ऑफेंड हो गए, वो खड़े हो गए, बोले लिसन दिस इज रॉन्ग, वी डोंट ट्रीट वुमेन लाइक दिस इन इस्लाम, ओके। आई वाज लाइक अंकल आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट मीन इट, आई एम सॉरी, आपकी वाइफ कहाँ है? He's like, पहली वाली दूसरी वाली। I was like, oh, Islam. तो उस दिन मुझे पता चला कि तीन बार जो बोलने का कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं होता है। This is not the reason. But ये आपको मैं सिर्फ सेटअप बता रहा था, ठीक है, आपने देख लिया ये लेआउट पूरा निकाह का, जो स्टेज का सेटअप है, हाँ ध्यान से याद रखना, ये बहुत काम आएगा, हाँ ऐसा नहीं कि लाइफ में काम आएगा, एक दिन हम सबको कन्वर्ट कर दे, नहीं नहीं। What I mean is कि आगे जो जोक सुनाने वाला हूँ उसमें बहुत काम आएगा, ठीक है। अब हनीफ निकाह के लिए जब बैठने वाला था तो मैंने हनीफ को बोला कि हनीफ जो जूते हैं वो तू पिछवाड़े पे रख और बैठ जा। See this is a good idea कि दूल्हे को निकाह से कोई खड़ा करके तो जूते चुराएगा नहीं। हनीफ बोला आइडिया अच्छा है, हनीफ ने जूते रखा, हनीफ बैठ गया, बस अब निकाह की जगह पे बैठ गया। मैं अब चिल हो गया हूँ कि भाई जूते बच गए, अब इंजॉय करते शादी। हाँ दिल्ली में लड़कियां खूबसूरत है बहुत, तो मैं ऐसे ही खड़ा हुआ था, हाँ सिंगल भी था, तो मैं ऐसे खड़ा हूँ, लड़की आई स्माइल करी मेरे सामने, मैं बोला ये क्लोज आ गई, मैं और स्माइल किया और क्लोज आते जा रही है, मैं बोला भाई दिल्ली वाली फास्ट है, और पास आते जा रही है, मैं थोड़ा ऐसे हुआ और पास आते जा रही है, मेरे एकदम पास आ गए और मेरे को बोलती है लक्स रोज से नहाते हो आप? अब बात आगे नहीं बढ़ सकती है, मतलब बहन मेरे को बता खाना कहाँ है।
मैं पहुंच गया, मैं पहुंचा कहां पे? वो चाइनीज काउंटर। चाइनीज काउंटर को देख के लग रहा है ये क्या है, कि यहां ब्लास्ट हुए हैं, दो भगोने ऐसा उल्टे पड़े हुए हैं, वो केटरिंग वाले की लाश पड़ी हुई है, सारे मंचूरियन बॉल दीवार में चिपके हुए हैं, यहां जंग हुई है जंग। आज लाइक भाई मेरे को नहीं खाना है, मैं जा रहा हूँ निकाह, स्टेज सेफ है। स्टेज की तरफ जैसे ही मैं आ रहा था, मैंने नोटिस किया कि अब जा नहीं सकता स्टेज पे क्योंकि निकाह शुरू हो चुका है, और मैं स्टेज पे इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि अब जगह ही नहीं है जाने की। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं निकाह दूर से इंजॉय कर लेते, स्पीकर है ये। मैंने नोटिस किया कि स्टेज पे देख के कुछ लोग हंस रहे। आई वाज लाइक ये हंस क्यों रहे? मैंने भी थोड़ा देखा स्टेज पे, ऐसा गौर से देखा, तब मेरा ध्यान गया कि वो जो जूते के लिए छीना झपटी चल रही थी उसमें हनीफ की सलवार फट गई है। हनीफ ने पहना है पर्पल कलर के अंडरवेयर। मैं बोला मैंने इज्जत बचाया था और ये इज्जत जाएगी, मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी हनीफ की इतनी अच्छी दोस्ती है, ग्रेट केमिस्ट्री, मेरे को हनीफ को इशारे में ही बताना है। हनीफ भाई तेरे कोटे दिख रहे हैं। हनीफ बोलता है दिखने दे, इसको लगा मैं बोल रहा हूं तेरे जूते दिख रहे। मैं बोला ये तो राइम होता है, इसको तो लग रहा होगा। मैं बोला वर्ड चेंज करना पड़ेगा, लौंडे लोग क्या ही वर्ड चूज कर लेंगे। हनीफ मंचूरियन बॉल दिख रहे हैं। बाजू में से एक आंटी निकली, बोले बेटा कहाँ है? बोलते खत्म हो गए। मैं बोला आंटी जहां पे है तुम पहुंच नहीं पाओगी। वो चाइनीज काउंटर के पीछे दीवार में ऊपर चिपके हुए ना। अब मुझे आ रहा है गुस्सा कि यार समझ क्यों नहीं आ रहा इसको है? मैं अब गुस्सा हो चुका हूं कि लाइक हनीफ, अब हनीफ को भी गुस्सा आ गया। हनीफ बोल रहा है क्या है तेरा कोटा लटक रहा है। हनीफ को और गुस्सा आ गया और उसको अभी भी लग रहा है जूते की ही बात चल रही है। मेरे को बोलता है कोई निकाल के नहीं लेके जाएगा। ले ले जाने दे, मेरे को कलर ऐसे भी नहीं पसंद। चुप ही नहीं हो रहा, गुस्से में आ गया। बोले 5,000 दूंगा वापस आ जाएंगे। मैं बोला मत। मुझे रियलाइज हो गया कि मेरा और हनीफ का केमिस्ट्री अच्छा नहीं। अब है मिशन काशिफ। काशिफ हनीफ के पास ही बैठा हुआ है। मुझे सिर्फ क्या करना है, काशिफ को बताना है कि ये प्रॉब्लम है। और हनीफ को क्या करना है, काशिफ जब हनीफ को कान में बता देगा तो हनीफ को क्या करना है? That's it.